लाल सिंह चड्ढा जो कि आधारित है 28 साल पहले रिलीज हुई फिल्म फॉरेस्ट गम्प से। यो वीडियो में बात करेंगे फिल्म रिव्यू की और कितनी खरी उतरी है फॉरेस्ट गम्प के हिसाब से यो फिल्म और ताजा ताजा चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में। देखो भाई आधी अधूरी जानकारी बहुत डेंजर हो गए तो था से विनती है कि यो वीडियो को अंत तक देखे। तो भाइयों और बाकी बहनों सबको मारी राम राम और बड़ों को प्रणाम। लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म पर करीब 15 साल से काम चल रहा है आधे से ज्यादा टाइम तो यो फिल्म के राइट्स लेने चले गए। देखो बात करें और जो कंपेयर करें लाल सिंह चड्ढा को ओरिजिनल फिल्म फॉरेस्ट गम्प से तो यो फिल्म सिर्फ रीमेक ना है, जैसे का तैसा कॉपी ना किया है। यो फिल्म पूरी तरीके से हिंदी जनता को ध्यान में रख करके बनाई है। जहां पर फॉरेस्ट गम्प में गम्प की कहानी आगे बढ़े है अमेरिका की कहानी से, वहीं पर लाल सिंह चड्ढा में वहां का भारतीय रूपांतर काबिले तारीफ है। कैसे लाल की कहानी आगे बढ़े है भारत की कहानी के साथ में, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से लेकर के अब की बार मोदी सरकार तक के बीच में घटी हुई घटनाओं के बारे में और वहाँ को लाल सिंह चड्ढा की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और उन्हीं घटनाओं को वहाँ के साथ कैसे दर्शाया वह काबिले तारीफ है। यो फिल्म सबको पसंद आवेगी ऐसा बिल्कुल भी ना है। कई लोगों को बढ़िया लगेगी तो कई लोगों को ठीक ठाक तो कई लोगों को बोरिंग करेगी और वह लोग बोल देंगे भैंचोद बॉयकॉट करो बैन कर दो या को। तो देखो फिल्म में भारत की कई घटनाएं बताई है। फिल्म 3 घंटे जितनी लंबी है और यो सबको ध्यान में तो फिल्म का स्क्रीन प्ले स्लो है, स्लो के बहुत ही ज्यादा स्लो है और थाने बोर करने लगेगा। देखो भाई या तो फिर फिल्म की अवधि कम होती या फिर फिल्म की अवधि के हिसाब से या का स्क्रीन प्ले थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जो जनता को बांधे रखता, पर कई कई जगह पर तो यो फिल्म कुछ ज्यादा ही स्लो हो जावे और बोरिंग लगने लगे। फिल्म में काम कर रहे कलाकार की बात करें तो कास्टिंग कमाल की है और सभी कलाकारों ने गजब की परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर लंबे टाइम से यो फिल्म पर काम कर रहे हैं और वह लोगों का विश्वास अभी भी यो फिल्म पे, मतलब मारे बोलने का मतलब है जो मन ने या फिल्म की कहानी 2 बार से ज्यादा सुनी होती ना तो मैंने बोरिंग लगती, क्योंकि यो फिल्म मासी पब्लिक के हिसाब से बिल्कुल भी ना बनी है। सबको पसंद आवे ऐसा जरूरी ना है। फिल्म में हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग से दिल जीतने वाले आमिर खान भाई साहब का काम गजब का है। बस कई कई जगह पर वो जो उंदा है जो करे ना मन ने लगा कि वो कई जगह पर जबरदस्ती करण लाग रहे हैं। बाकी फिल्म में एसआर के भाई साहब का कैमियो है जो फिल्म खत्म होने के बाद समझ में आएगा कि यो कैमियो जबरदस्ती ना डाला गया था बल्कि यो कैमियो कहानी के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठे है। अब बात करें बॉयकॉट ट्रेंडिंग की तो यो बॉयकॉट हो रहा है क्योंकि आमिर भाई साहब ने 15 साल पहले कुछ कमेंट किया था और वहाँ की फिल्म पीके की वजह से कई हिंदुओं के सेंटिमेंटल हर्ट हुए थे और उन सब का बदला लेने के खातर आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। पर मन्ने एक बात बताओ, पी के फिल्म आई और जो आमिर भाई साहब ने कमेंट किया था वहाँ के बाद तो आमिर भाई साहब की दंगल फिल्म रिलीज हो चुकी है और वहाँ को हम जनता ना गजब की सुपरहिट फिल्म बनाई है, तो उस टाइम पे ये बॉयकॉट ट्रेंडिंग क्यों ना चला और अब क्यों चल रहा है? और यो सब की वजह से लाल सिंह चड्ढा फिल्म में 15 मिनट तो सिर्फ डिस्क्लेमर सुनाने में लगाया है। हाँ भाई साहब सुनाने में, ऐसा ना है कि स्क्रीन पर क्लेमर आ गया और पढ़ लो, वहाँ को वॉइस ओवर दे करके पूरा सुनाया है एक एक लाइन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो देखो भाई एक बात सोच करके देखो कि बॉयकॉट ट्रेंडिंग वाले कौन है, कहाँ से आते हैं आप लोगों के दिमाग में यो सारी बातें डाल देते हैं और फिर थे भी बिना सोचे निकल पड़ते हो बॉयकॉट करने के खातिर। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और दूसरों की बातों में मत आओ। बाकी एंटरटेनमेंट के हिसाब से यो फिल्म की बात करूं तो मैंने ठीक ठाक लगी, ज्यादा मजा ना आया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और भाइयों और उनकी सारी बहनों को हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। जय जय राम सीताराम।